माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं इस पे। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो मतलब होता है छोटा, प्रोसेसर का मतलब होता है ये कुछ इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। यानी अगर आपके पास दो और तीन वैल्यू गई तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसको यूं लिखते हैं, ये आपको अगर ऐड करना है तो 2+3 5 दे देगा। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट मान सकते हैं इसको, और कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप कहते हैं वही माइक्रो प्रोसेसर इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहले यहां पर जो शब्द आया है वो देख लीजिए, एक्रोनिम है ये PLD। PLD का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। इसका उत्तर है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, इसका उत्तर है अ मल्टीपर्पस PLD, प्रोग्रामेबल लॉजिकल या लॉजिक डिवाइस, जो बाइनरी डेटा को इनपुट की तरह मतलब एक्सेप्ट करता है। वैसे सब कुछ बाइनरी में ही होता है अगर आप कंप्यूटर के बारे में बात करें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 8086 माइक्रो प्रोसेसर? कौन सा इसमें सही है? देखिए, पहले आपको मैं बता दूं कि ये एक पिक्चर है 8086 का। तो इंटेल 8086, ये इंटेल का पहला 86, मतलब पहला x86, जैसे x86 होता है ना, हम कहते हैं कि भाई ये 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है, तो उस तरीके का ये पहला प्रोसेसर है। और इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर डाले गए, फिर इसके पास मेमोरी बढ़ी, इसकी इंस्ट्रक्शन सेट बढ़े। तो यहां पर आप देखेंगे एक चित्र है 1978 का, इसी को बताने की कोशिश की गई है, ये 8086 1978। तो ये इसका उत्तर है इंटेल का पहला x86 प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? तो ये सारे के सारे जो आप टाइप देख रहे हैं, सिस्क, रिस्क, एपिक, ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर के टाइप ही है। सिस्क का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क का हो गया रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एपिक का हो गया एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रेजेंट इन डैश ओनली। देखिए, अगर आप थोड़ा फॉर्मेशन देखें तो आपका ये आपका CPU हो गया, यहां पर आपकी रैम होती है। रैम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा लेती है, जो कि आपका हार्ड ड्राइव होता है, और सारा डेटा जो है पहले यहां आता है, जो भी CPU जिससे प्रोसेस करता है, CPU डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं करता, ये रैम से करता है। बीच में आपके कैश मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि आपके पेरिफेरल्स लगे हुए हैं। तो सवाल यही है कि माइक्रो प्रोसेसर किसी कंप्यूटर का वो कौन सा डेटा उठाएगा, वो डेटा कहाँ होना चाहिए? इसका उत्तर जो है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी से नहीं करता, ध्यान रखिएगा ये, और कैश मेमोरी बीच में होती है, लेकिन कैश के यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। फ्लैग कोई मेमोरी तो नहीं है, ये तो इंडिकेशन है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है 16 बिट का, याद देखिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अगर मान लीजिए इस पे प्रोसेसिंग चल रही है तो प्रोग्राम काउंटर अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा। तो बनता क्या है इसमें? इसका उत्तर है मेन मेमोरी। अगर मेन मेमोरी में नहीं है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी या मेन स्टोरेज, अगर इसमें डेटा नहीं आएगा, इसी से डेटा जो है वो सीधा CPU लेता है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वॉज यूज बाय इंटेल टू डिजाइन इट्स फर्स्ट 8-bit माइक्रो प्रोसेसर? तो जो पहला बना था, वैसे तो सारी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अलग अलग टाइम पे यूज हुई है, लेकिन पहले की बात की गई है यहां। इसका पहला का उत्तर है पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि PMOS, ध्यान रहेगा। ये जो अलग अलग चित्र मैंने दिखाए हैं, ये NMOS का है, ये PMOS का है, ये CMOS का है, तो उत्तर इसका बनता है सी, PMOS टेक्नोलॉजी। ये आपका शुरुआत की टेक्नोलॉजी थी, स्लो थी लेकिन बहुत आसान थी। फिर से ध्यान रखिएगा, ये जो पहली टेक्नोलॉजी 8-bit माइक्रो प्रोसेसर इंटेल, वो है पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। Which of the following addressing method does the instruction move A B represent? Move करने का मतलब ये होता है कि ये जो, अगर मैं इसको सोर्स कहूं और इसको डेस्टिनेशन कहूं, इसका मतलब ये है कि सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन पे रखना है। लेकिन ये किस तरीके का एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं। अब इसका उत्तर मैं पहले बता देता हूं, ये है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, क्योंकि एक तो रजिस्टर इन्वॉल्व है इसमें,
एक इनडायरेक्ट है, इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हुआ है, क्लियर है? इनडायरेक्ट मतलब यहां डेटा नहीं है, ये कोई मेमोरी का एड्रेस बताएगा। तो ये जो इनडायरेक्ट, ये जो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है, यहां पर ऑपरेट जिसपे जिसपे ये मूव काम करने वाला है वो कहां होगा? रजिस्टर में होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ये बता रहा है कि रजिस्टर जो किसी एड्रेस को रेफर कर रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। यानी कि यहां पर आपका एड्रेस होगा ना कि आपका डेटा होगा, वो आपको पॉइंट करेगा कि डेटा कहां है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इस रजिस्टर में डेटा होगा। व्हाट इज दी वर्ड लेंथ ऑफ एन 8-bit माइक्रो प्रोसेसर? अब इसका उत्तर मैं पहले आपको बता दूं, ये पहला वाला है, ये आया कैसे इसको समझाता हूं मैं आपको। 8-bit माइक्रो प्रोसेसर है, इसका मतलब 8-bit तो है मिनिमम, ठीक है। अब 8-bit का मतलब क्या है? 8-bit का मतलब कितने, जैसे अगर आप डेटा के बारे में बात करें तो डेटा जो है वो 8-bit ये हैंडल कर सकता है। 8-bit माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है 8-bit का इसका डेटा बस हो। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 की पावर 8, ये कितना होता है? 64, 8 to 64, ये कौन सा आंसर है? ए वाला। इन 8-bit माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी ऑपकोड्स आर प्रेजेंट? ऑपकोड्स कहां से आएगा? इंस्ट्रक्शन सेट जो होती है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का, असेंबली लैंग्वेज यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट होता है, वो इंस्ट्रक्शन से आप प्रोग्राम लिखते हैं या फिर प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं और उससे वो प्रोसेसर काम करता है या उस इंस्ट्रक्शन को लेके अपना एक्शन लेता है। 8-bit माइक्रो प्रोसेसर मतलब डेटा बस 8-bit की है। ऑपकोड का मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक ऑपकोड होता है जैसे आपने MOV कर दिया, और एक जैसे मूव ए कर दिया, और फिर उसके बाद बी, तो ये डेटा पार्ट हो गया। एक पार्ट होता है आपका ऑपकोड ऑपरेशन कोड, और एक पार्ट होता है आपका ऑपरेंड। इन्होंने पूछा है कितने ऑपकोड प्रेजेंट है 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। तो 8-bit माइक्रो प्रोसेसर में ये जो 8 देखते हैं आप, 2 की घात 8 कर दीजिए, यानी कि 256 पॉसिबल है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं 8255 माइक्रो प्रोसेसर की, 246 ऑपकोड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एड्रेस बस? एड्रेस बस के बारे में क्या सही नहीं है? पहले मैं आपको पिन दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एड्रेस बस 21 से 28, कहां तक है ये? 21 से 28। चलिए साहब, अभी इसको मान लिया जाए, लेकिन अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। इट इज बाई डायरेक्शनल बस। एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल तो होती नहीं है, है ना? ये एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। तो ये तो उत्तर यहीं पे आ गया, बी वाला। एड्रेस बस 21 से 29 तक तो दिख रही है अपने को, 28 तक दिख रही है ना, और 16-bit लेंथ होता है 8085 का, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डेटा बस, ये जो एड्रेस बस है वो 16-bit होती है, एड्रेस डेटा बस जो होती है वो 8-bit होती है। लोअर एड्रेस बस यहां से लेकर AD0 से लेकर AD7, इसको हम लाइन नंबर कहते हैं, लोअर एड्रेस बस AD0 से AD7। तो डेटा बस जो माइक्रो प्रोसेसर में है वो बाई डायरेक्शनल होती है, लेकिन जो एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। तो AD0 से लेकर AD07 तक ये एड्रेस लाइन्स हैं जो डेटा बस की तरह भी यूज होती है, क्योंकि ये दोनों, ये एड्रेस बस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स होते हैं 8-bit, शुरुआती 8-bit। वैसे इसका उत्तर बी है, जो नॉट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हमने जो चर्चा की कि भाई एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट लेगा आपको आउटपुट दे देगा, है ना? तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो वो आपका बनता है, इसमें ALU है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है। यहां पर एक आर्किटेक्चर 8085 का माइक्रो प्रोसेसर का अगर हम देखें तो आपको यहां पर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी दिख रहा है, आपको यहां पर कंट्रोल यूनिट भी दिख रहा है, आपको यहां पर अलग अलग रजिस्टर्स भी दिख रहे हैं, जैसे ये भी रजिस्टर है और ये भी रजिस्टर्स है, कंट्रोल यूनिट भी है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर, इनके पास ऐसा तो मेमोरी नहीं होती ना, वो इनके पास कोई इंटरफेसिंग सर्किट होता है, इनके ये जो है प्रिंसटन आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जिसमें आपका ALU होगा, सी कंट्रोल यूनिट होगा, रजिस्टर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन अ माइक्रो प्रोसेसर? जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे आपने कहा कि LDA करना है, आगे कुछ कंटेंट, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन चलेगा कैसे? सबसे पहले क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा? तो ये इसकी पूरी साइकिल है। पहले आपको फेच करना है इंस्ट्रक्शन को, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, कौन सा ये इंस्ट्रक्शन का भी तो मेमोरी एड्रेस होगा, इंस्ट्रक्शन का भी ऑपकोड है ये बेसिकली, उसके बाद डेटा होगा, तो इंस्ट्रक्शन लेना, उसको डिकोड करना, इसको एग्जीक्यूट कराना, फिर स्टोर करना। तो अगर यहां देखा जाए तो इसका उत्तर बनता है ए। सबसे पहले जो मेमोरी है वहां से आपको ऑपकोड फेच करना होगा, तो पहले ये हो गया।
फिर मेमोरी रीड होगी और मेमोरी राइट, ये ऑपरेशन होंगे। और उसके बाद अगर कोई इनपुट आउटपुट रीड होगा या इनपुट आउटपुट राइट होगा, ये ऑपरेशन होगा। ए है इसका उत्तर। द डाई डायरेक्टिव इंस्ट्रक्ट्स द असेंबलर टू बिगिन मेमोरी एलोकेशन फॉर अ सेगमेंट ब्लॉक कोड फ्रॉम द स्टेटेड एड्रेस। इंस्ट्रक्ट्स द असेंबलर टू बिगिन मेमोरी एलोकेशन, बिगिन मेमोरी एलोकेशन से सीधा मतलब बनता है आपका ओआरजी। देखिए ये जो ORG है, पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको, फिर मैं ORG बताता हूँ। ये जो जो आंसर है C है, ORG का मतलब ही ये होता है कि भाई ओरिजिन, ORG का फुल फॉर्म अगर आप देखा जाए तो ओरिजिन होता है। तो ये स्पेसिफिक एड्रेसिंग, अगर किसी स्पेशल एड्रेसिंग की बात करूं माइक्रो प्रोसेसर की या माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग की, उसके लिए यूज होता है। जैसे अगर हमने कह दिया ORG 000H, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो 000H से होगा। तो जब हम ORG लिखते हैं तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है आपके मशीन कोड में। तो असेंबलर क्या करेगा, जो लोकेशन काउंटर है, क्योंकि हमारा कोई भी मॉड्यूल है या फिर आपका प्रोग्राम है, तो वहां से शुरुआत करवाता है। जैसे मैंने आपको बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसर। अब इसमें इसका उत्तर दे समय एक नई चीज निकल के आती है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की। तो पहले मैं इसका उत्तर बता दूं, इसका उत्तर है डी, क्योंकि Z8000, मोटोरोला 6809 और Zilog Z8, ये तीनों के तीनों माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन जो आप P1C1X देख रहे हैं, ये 8-bit माइक्रो कंट्रोलर है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में अंतर क्या होता है, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम दिखते हैं आपको उसमें माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन जो भी एम्बेडेड सिस्टम है, आपकी वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वहां माइक्रो कंट्रोलर है। तो इस यहां पर क्या है, यहां पर CPU रहेगा, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के पास आपका CPU भी है, मेमोरी भी है। देखिए इसमें रैम रोम दोनों दिख रही है ना, मेमोरी भी है एम्बेडेड। माइक्रो प्रोसेसर की जहां तक बात करें, यहां पर हम जो भी कॉम्पोनेंट्स होंगे, जो भी कॉम्पोनेंट होंगे उनको एक्सटर्नली लगाते हैं। थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन तरीका यही है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में सारे के सारे जो होंगे कंटेंट वो एक ही में आ जाते हैं, क्योंकि आप देखिए CPU भी है, IO पोर्ट्स, काउंटर, टाइमर्स, रैम रोम सब यहीं पर है, ठीक है जी। अब क्योंकि यहां पर अलहदा चीज हो रही है, चीजें बाहर है और अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसिंग का काम चल रहा है या प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, इसका मतलब पावर थोड़ी ज्यादा लगेगी, क्योंकि यहां पर एक ही हम कॉन्टेंट में सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए पावर थोड़ा सा इसमें कम लगता है। यहां जो आप देखेंगे इसमें स्टोरेज की कोई वो नहीं है, क्योंकि स्टोरेज इसकी बाहर होती है, यहां पर स्टोरेज आपका अंदर है, यहां पर बाहर है। तो जो भी मेमोरी एड्रेसिंग होगी या डेटा एड्रेसिंग होगी या डेटा लाना ले जाना होगा, वो सारा डेटा बस ये बाहर और अंदर के थ्रू होगा, है ना। यहां पर आपके माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। जैसे अगर मैं 8085 के बारे में बात करूं तो BCDEHL इस तरीके से रजिस्टर है हमारे पास, और W और Z भी है, लेकिन वो हम यूज नहीं करते, वो केवल माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है, ये जनरल पर्पस है। माइक्रो कंट्रोलर के पास इसके इससे ज्यादा रजिस्टर होते हैं, तो प्रोसेसिंग कम लगती है, क्योंकि सारा काम यही हो जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैप इंटरप्ट इन माइक्रो प्रोसेसर। देखिए ट्रैप जो है वो एक इंटरप्ट है। जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो ये कई डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, जैसे मैंने कहा इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड। अब यहां कोई काम हो रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है इंटरप्ट से, कि भाई अगर मान लीजिए मैंने पेनड्राइव लगाई और निकाल दी तो इसको कैसे पता चलेगा, वो इंटरप्ट से पता चलेगा। तो ट्रैप जो होता है, ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, नॉट अ प्रॉपर्टी। नॉट अ प्रॉपर्टी पहले उत्तर बता देता हूं इसका, तब आपको समझाता हूं। इसका उत्तर है सी, क्योंकि इंटरप्ट नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल का मतलब ये होता है, एक बार ट्रैप आ गया, जैसी ट्रैप आएगा माइक्रो प्रोसेसर सारे काम छोड़ के इस ट्रैप को हैंडल करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ये नॉन मास्केबल है, इसको मास्क नहीं किया जा सकता। बाकी जितने आप देख रहे हैं सब मास्केबल है। इसी तरीके से ट्रैप की हाईएस्ट सबसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है, ये सारे सही है। गलत क्या है, गलत ये है कि ये एज ट्रिगर्ड सिग्नल यूज करता है, लेकिन असलियत में क्या है कि ये लेवल और एज दोनों ट्रिगर्ड क्लॉक, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वो है, प्रायोरिटी है। बाकी सारे इंटरप्ट्स को अगर आप देखें तो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ RST 7.5 इंटरप्ट। पहले मैं बता दूं आपको कि ये सारे इंटरप्ट हैं, और किसी भी प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। ट्रैप की हाईएस्ट, ये नॉन मास्केबल है और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, जिसका मतलब अगर ट्रैप आ गया तो उसको माइक्रो प्रोसेसर डील करेगा ही करेगा बाकी काम छोड़ के, लेकिन बाकी जो है वो आएंगे तो माइक्रो प्रोसेसर इन पे हैंडल कर भी सकता है और थोड़ी देर के लिए इनको डिले भी कर सकता है, अपना काम कंप्लीट करके इनके पास आ सकता है। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है RST 7.5 जो आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं, इसका उत्तर बता देता हूं मैं आपको, वो है ये वेक्टर एड्रेस इसका 0034H। पहली चीज ये है कि पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ये गलत है क्योंकि ये मास्केबल इंटरप्ट है। मास्केबल मतलब होता है कि इस इंटरप्ट को थोड़ी देर के लिए डिले किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, रोका जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है, राइट। दूसरा यह है इट हैज थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब यहां से देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी है ट्रैप की RST 7.5 की 2 नंबर पे है, तो ये थर्ड नहीं है, ये सेकंड प्रायोरिटी है। ये इट्स वेक्टर्ड एड्रेस तो 0034H तो हमने सही कर ही दिया, इसका मतलब ये गलत है। इट यूजेस लेवल ट्रिगर्ड सिग्नल, ध्यान रखिएगा लेवल ट्रिगर्ड नहीं, ये एज ट्रिगर्ड सिग्नल यूज करता है। Which of the following flag is used to mask INTR interrupt? अब आप देखें, अगर interrupt का मैं आपको सारा सिचुएशन बताऊं तो trap सबसे ऊपर होता है और INTR सबसे नीचे होता है, बीच में आपके RST 7.5, 6.5 ऐसे करके आता है। अब कौन सा flag इसमें ऐसा है जो mask करता है INTR interrupt को? तो इसका उत्तर बनता है आपका interrupt flag। अब वैसे जो flags हैं हमारे यहाँ, हमारे अगर आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी, साइन फ्लैग, ये सब तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटरप्ट फ्लैग होता है वो अलग से एक आईएफ फ्लैग होता है, इंटरप्ट फ्लैग। अगर ये सेट है यानी कि ये वन है तो माइक्रो प्रोसेसर कोई भी इंटरप्ट को सर्व करेगा, उस समय उनको हैंडल करेगा। अगर ये रीसेट है, इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर इसको इग्नोर कर देगा, राइट। तो ये इंटरप्ट फ्लैग है इसका। Which of the following is a special purpose register of microprocessor? देखिए, कोई भी microprocessor में अलग अलग register होते हैं। अब आप कहें कि भाई accumulator का काम क्या है? Accumulator का काम यह है कि जो भी content पे काम हो रहा है वो accumulator पे आएगा, accumulator से ही लेके काम किया जाएगा, arithmetical, logical जो भी हो, और वापिस इसी पर रख दिया जाएगा, है ना। यहां पर उत्तर आता है आपका instruction register, एक्यूमुलेटर या टेम्पररी रजिस्टर। ये सारे के सारे आपके जनरल पर्पस रजिस्टर है, कौन से हैं? जनरल पर्पस। लेकिन यहां पर अगर हम स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर के बारे में बात करें, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर इसका उत्तर है। प्रोग्राम काउंटर हमेशा क्या करता है, जैसे ये आपका कोड है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये इस पे काम चल रहा है मान, प्रोग्राम काउंटर हमेशा उसके नेक्स्ट एड्रेस का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा, 16 बिट का होता है। Which of the following circuit is used as a special signal to demultiplex the address bus and data bus? पहले इसका ना सिनेरियो मैं आपको बता दूं। होता यह है कि आपका पूरा का पूरा जो एड्रेस बस है वो आपका 16 बिट का है। अगर देखा जाए तो AD0 से लेकर AD15 तक है, तो पूरा का पूरा एड्रेस बस ये है, लेकिन ये जो इसका लोअर पार्ट है AD0 से लेकर AD7 तक, ये डेटा बस का भी काम करता है, यानी कि यही लाइनें, यही वायर्स एड्रेस बस का भी काम कर रहे हैं और डेटा बस का भी काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लेक्स्ड होता है। अब आपका सवाल होगा कि भाई डेटा बस की तरह कब यूज होगा और एड्रेस बस की तरह कब यूज होगा, तो उसका उत्तर है एड्रेस लैच इनेबल। ये जो लैच है, जैसे दरवाजे की कुंडी होती है ना, खोलते तो दरवाजा खुल जाता है, बंद करते तो बंद हो जाता है। तो यहां पर AD0 से लेकर AD7 तक, ये तो आपके डेटा बिट्स हैं, यहां से लेकर यहां तक पूरे आपके एड्रेस बिट्स हैं, तो ये लैच की तरह खुलता है ALE। अगर ये एड्रेस लैच इनेबल, इसकी पॉजिटिव पल्स है, जब भी ये होगा तब कौन सा यूज होगा, और अगर इसका नेगेटिव पल्स है, एड्रेस लैच इनेबल इज अ पॉजिटिव पल्स, ध्यान रखिएगा, जब भी माइक्रोप्रोसेसर स्टार्ट करेगा ऑपरेशन ताकि आप लोअर ऑर्डर टू लैच दी लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन, लैच मतलब इसको अभी रोकना है, तो इसका मतलब यह है कि ये ALE के हिसाब से, क्योंकि पॉजिटिव पल्स है, नेगेटिव पल्स है,
इसके हिसाब से एड्रेस बस और डेटा बस यूज होगी। एक टाइम में एड्रेस बस, अगली बार में डेटा बस जब भी जरूरत होगी। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर इन अ फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर? तो ये 8 बिट रजिस्टर होता है ना? उत्तर इसका ये नहीं होगा 8, बल्कि कितने फ्लिप फ्लॉप है। ध्यान रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट स्टोर करता है। अगर आपने 8 बिट कर दिया, 8 फ्लिप फ्लॉप लगा दिए, तो ये 8 बिट स्टोर करेगा। लेकिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सारे यूज नहीं होते, 3 यूज नहीं करते, 1, 2, 3, हम 3 यूज नहीं करते। तो बचे कितने? 8 - 3 5 हुआ। इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया बी, 5। 5 फ्लैग्स या कहें फ्लिप फ्लॉप एक फ्लैग रजिस्टर में होते हैं, जो आपके अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जो भी ऑपरेशन होंगे उसका स्टेटस बताते हैं। और खास तौर पे जो एक्यूमुलेटर होता है उसके जो कंटेंट होते हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मैनी करते। विच ऑफ दी फॉलोइंग फ्लैग कंडीशन इज यूज फॉर बीसीडी अर्थमेटिक ऑपरेशन इन माइक्रो प्रोसेसर? यह है बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एक्यूमुलेटर में या फिर जो भी अर्थमेटिक और लॉजिक प्रोसेसिंग हो रही है उस हिसाब से फ्लैग के जो कंटेंट है, जैसे ये फ्लैग मान लीजिए ये पैरिटी फ्लैग है, तो ये 1 या 0 होगा, इसको हम कहते हैं सेट या रिसेट होगा। तो इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग इनमें से इज यूज फॉर बीसीडी अर्थमेटिक ऑपरेशन इन माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका उत्तर है आपका बनता है बी, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। क्या बनता है? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। मैं इसको जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ऑक्सिलरी फ्लैग, क्योंकि ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है, जैसे आपका ये 8 बिट है, ये 4 बिट है, ये 4 बिट है, तो यहां से अगर इस पे कैरी गया, मतलब इसको निबल कहते हैं 4 वाले, यहां से कैरी गया, तब हम क्या, तब ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है वो सेट होता है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग तब सेट होगा जब लोअर निबल या लोअर 4 जो बिट्स होते हैं उसका कैरी यहां पर आता है। इसीलिए बाइनरी कोडेड डेसिमल में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहां पर उत्तर इसका ACF है, ACF। Whenever a non-maskable interrupt occurs in 8085 microprocessor, which of the following data lines contains the data? अब इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, एक मास्केबल होता है, एक नॉन मास्केबल होता है। नॉन मास्केबल का मतलब है जिसको आप रोक नहीं सकते, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर इस टाइप के जितने भी इंटरप्ट आएंगे उनको हैंडल करेगा ही करेगा। ओके, मास्केबल है जिनको इग्नोर किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है। उत्तर इसका ऐसा बनता है कि ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल है, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। जब भी ये ट्रैप होता है तो इसका जो वेक्टर्ड एड्रेस है, यानी कि कहां से शुरू होना, यानी कि इंफॉर्मेशन कहां से ली जाएगी, वो है 0024, ये हेक्साडेसिमल में है। ये क्या होता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर हमेशा जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस रखता है, तो प्रोग्राम काउंटर के पास ये वाला एड्रेस आ जाता है। और जो 24H है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो AD0 से लेकर AD15 तक आपकी पूरी की पूरी एड्रेस बस है, तो इसका जो लोअर पार्ट है यहां पर जो 24H है वो लोअर एड्रेस बस, जो कि डेटा बस का भी काम करता है, वहां से शुरू होता है, वहां से आता जाता है। What does a microprocessor understand after decoding opcode? अब किसी भी ऑपरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका opcode, opcode में ही निहित होता है एड्रेसिंग मोड, मतलब ऑपरेशन कोड से ही पता चल जाएगा कि एड्रेसिंग मोड क्या होता होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब डेटा जिस तरीके से मिलेगा, डेटा का एड्रेस कहाँ है, डेटा को कहां से लेना है, वो opcode में पता चल जाएगा, उसी को हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं, ऑपरेंड को लाने का तरीका। अब सवाल यह है कि व्हाट डज अ माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंड आफ्टर डिकोडिंग एट ऑपकोड? अब आपने ऑपकोड लिखा, या ऑपकोड जैसे मान लीजिए मूव कर लेते हैं, मूव A, B, ये जो ऑपकोड है ये क्या करेगा, जैसे हम इसको डिकोड करेंगे तब माइक्रोप्रोसेसर को पता चलता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसकी लेंथ कितनी है, 1 byte है, 2 byte है, 3 byte है, और जैसे ये पता चल जाता है तो कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल लगेंगे, या ये कहेंगे कितने टी स्टेट लगेंगे, या आप एक सबको मिला के एक शब्द कह सकते हैं, या एक इनका कंबाइंड शब्द है कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये सब सारी चीजें कितनी लगेंगी ये पता चलता है। तो उत्तर इसका ये है, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये कैसे पता चलता है, जब आप ऑपकोड को खोलते हैं, ऑपकोड को पढ़ते हैं।
How many address lines are present in 8086 microprocessor? So, कितनी address line होती है 8086 microprocessor में? अब you will be tempted to answer, अगर आपको लगेगा अरे ये तो हमको पता है 16 कर देंगे, लेकिन बात चल रही है 8086 की, ध्यान रखिएगा 8085 और 8086 में अंतर है। ये जो चित्र है इसको ध्यान से देखिएगा, ये 8086 का है, ये 8085 का नहीं है। AD0 से लेकर AD14 तक तो यहाँ दिख रहा है, चलिए तो आपको मिल गया 15, लेकिन इसके आगे यहाँ AD15 से लेकर AD19 तक भी है। इसका मतलब कुल मिला के अगर मैं AD0 से लेकर AD19 तक लूं तो कितने बन रहे हैं एड्रेस, 20 बन रही है। इसका उत्तर कितना हो गया? इसका उत्तर है तो ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा नहीं है कि ये 20 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन ये 20 एड्रेस लाइन यूज करता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटस फ्लैग इन माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर में कई सारे आपके, एक तो फ्लैग रजिस्टर खुद ही होता है, वो आपको कई सारे फ्लैग बता देगा, जब भी कोई ALU ऑपरेशन होगा या जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उन ऑपरेशन से आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर ये, जैसे मान लीजिए कंप्यूटेशन के बाद कैरी आता है, तो अगर ये 1 है तो आप बता देंगे कैरी आया है, नहीं तो नहीं आया है। तो इस तरीके से सारे कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, साइन, फ्लैग, ये हमारे पास ऑलरेडी फ्लैग है, लेकिन इसके अलावा भी फ्लैग है। तो अगर आप देखें इसका जो उत्तर है वो है डी, क्योंकि जो आप पहला देख रहे हैं ये आपको बता रहा है ओवर फ्लो फ्लैग, ये बता रहा है कि रिजल्ट बाहर तो नहीं स्पिल हो गया है, जो भी रिजल्ट आ गया है वो आउट ऑफ स्कोप या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बह तो नहीं गया है, यानी एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया है। डायरेक्शन फ्लैग आपको बताता है, और खासतौर पे ये यूज होता है आपके स्ट्रिंग ऑपरेशन में, हाँ स्ट्रिंग, जैसे आपको स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, छोटा पार्ट निकालना है, तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए है। और जो इंटरप्ट फ्लैग है वो IF जिसे कहते हैं, ये इंटरप्ट को इनेबल करने में और डिसेबल करने में काम आता है। बचता क्या है आप, इंडेक्स फ्लैग, तो ये आपका इंडेक्स फ्लैग इसका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फ्लैग? कंडीशन फ्लैग कौन सा नहीं है? तो ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया है, ये फ्लैग जो होते हैं वो बेसिकली आपको कंडीशन ही तो दिखा रहे हैं कि भाई ये हुआ तो ये हुआ। अगर मान लीजिए आपका सारा रिजल्ट जीरो आ गया तो ये कंडीशन है कि भाई जीरो फ्लैग आपका एनेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कैरी फ्लैग, पैरिटी हो गया, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, साइन, ओवरफ्लो, ये सारे के सारे जो होते हैं ये होते हैं कंडीशन फ्लैग। तो अगर ये आप देखें ऑक्सिलरी पैरिटी जीरो, ये सारे कंडीशन फ्लैग है। तो इसमें कहा गया है व्हाट इज नॉट अ कंडीशन फ्लैग, तो जो ट्रैप फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, ये सारे जो होते हैं ये कंट्रोल फ्लैग, ये क्योंकि ये तो कंडीशन फ्लैग है, ये सारे कंट्रोल फ्लैग है, ध्यान रखिएगा ये कंट्रोल है, कंट्रोल फ्लैग है, और ये कंडीशन फ्लैग है। तो नॉट अब पूछा तो ट्रैप इसका उत्तर होगा। Which of the following register is not used in opcode fetch operations? कौन सा opcode fetch operation में use नहीं होता है? किसी भी instruction में दो part होते हैं, opcode और साथ में होता है operand. opcode और operand, है ना? इन्होंने कहा है कौन सा नहीं होता है fetch operation. तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर है flag register. ये आपके फेच ऑपरेशन में, क्योंकि ऑपकोड जैसे मैंने आपको कहा LDA, ये ऑपरेशन लगाया LDA आगे कुछ है, तो ये जो ऑपकोड बनेगा इस ऑपकोड को पहले तो फेच करना पड़ेगा कि ये ऑपकोड काम क्या करता है, इसका हमें ऑपरेशन क्या करना है, इससे पता चलेगा कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, कितने ऑपरेशन होने, इससे ये पता चले। एक बार जब ये पता चल गया है ना, उसके बाद क्योंकि ऑपकोड जब हमने निकाल लिया या इसको डिकोड कर लिया, बेसिकली इसको डिकोडिंग कहते हैं, डिकोड कर लिया, उसके बाद इसका रोल शुरू होता है। अब कुछ जुड़ेगा घटाएगा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐड वाला ऑपरेशन है तो कुछ जोड़ेगा, तो हो सकता है जीरो फ्लैग आ जाए, हो सकता है साइन फ्लैग आ जाए, है ना? तो फ्लैग जो प्रोग्राम काउंटर है ये तो बिल्कुल यूज होता ही है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, ये सब यूज होता है, फ्लैग रजिस्टर जो है वो यूज नहीं होता फेच ऑपरेशन, ये सारे होते हैं। अ मेमोरी कनेक्टेड टू अ माइक्रो प्रोसेसर हैज 20 एड्रेस लाइंस एंड 16 डेटा लाइंस, व्हाट विल बी द मेमोरी कैपेसिटी? इसको निकालिए, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत आपको बधाई, क्योंकि मेमोरी, अब मैं इसका उत्तर पहले बताता हूं, इसको समझिए ऐसे करके, 20 एड्रेस लाइंस है इसमें, कितनी 20 एड्रेस लाइंस है,
इसका मतलब एड्रेसिंग कितनी हो सकती है, जितनी भी एड्रेसिंग एड्रेस लाइन है, जैसे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में आपके 85 में कितने एड्रेस लाइन थी, 16, तो हम कहते थे 2 की पावर 16 ये एड्रेस कर सकता है, और हमने इसका निकाला भी था 64 के, तो 20 एड्रेस लाइन है, इसका मतलब एड्रेसिंग कैपेबिलिटी कितनी है, 2 की पावर 20। अब हर एक लोकेशन जो है, हर एक जो लोकेशन है वो कितने बाइट का है, 2 बाइट का हो गया ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 16 बिट की बात करते हैं, और ये 2 बाइट का होता है ना। लेकिन यहां मसला ये है कि हमारे पास 1 बिट, एक रजिस्टर कितने का होता है, 1 बिट का, 8 बिट यानी 1 बाइट का होता है, तो 16 बाई 2 कर दीजिए, यानी 2 बाइट हो गए। हर एक लोकेशन, जो लोकेशन होगा जिसको ये एड्रेस कर रहा है वो कितना है, 2 बाइट का, ध्यान रखिएगा 2 बाइट का एक एड्रेसिंग हो रही है इसमें। अब 2 बाइट की एड्रेसिंग कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ 16 डेटा लाइंस है, 16 2 की पावर 16 कहां से आया है, ये 2 बाइट से आया, उसके मतलब एड्रेसिंग, अगर एड्रेसिंग करनी भी है तो किस लोकेशन की करनी है, यहां पर 2 बाइट होंगे, क्लियर है, 2 बाइट, 2 की पावर 20 और साथ में 2 बाइट, ये कितना हो गया आपका, तकरीबन ये 2 MB आता है, मेगाबाइट, क्योंकि 2 की पावर 10 मैं आपको बता दूं कि ये 1024 होता है, 1024, ठीक है। अगर इसको मैं 1024 को 1000 ही मान लूं, ये भी 2 की पावर 10 कितना हो गया, इतना ही हो गया, तो 1000, ये 2 की पावर 20 का 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, 1000 × 1000 × 10 की पावर 6, एक अंदाजा दे रहा हूँ, ये मेगा होगा, ओके, तो 2 तो था ही यहाँ पे, तो 2 मेगाबाइट आ जाए यहां से, यहां क्योंकि बाइट में लिया है इसलिए मेगाबाइट में आंसर है, क्योंकि यहां मेगाबाइट में भी दिया है। व्हाट इज द वर्ड लेंथ ऑफ पेंटियम 2 प्रोसेसर, अब ये पूछा जब सवाल जाता है तो आपको पेंटियम 2 प्रोसेसर, पेंटियम 3, पेंटियम 4, 5 और आजकल के जो है उनको भी जानना चाहिए, ताकि आपको सबकी वर्ड लेंथ पता चले। तो इसका मैं उत्तर बता देता हूं आपको, जो पेंटियम 2 प्रोसेसर था वो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, और जो 64 बिट हमेशा जब भी आता है ध्यान रखिएगा, उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो डेटा बस होगी वो 64 बिट की होगी। 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस पेंटियम 2 को, और इसमें 7.5 साढ़े 7 बिलियन, 1 बिलियन होता है 10 लाख, 7.5 बिलियन ट्रांजिस्टर थे, वर्ड लेंथ कितनी थी इसकी, 64 बिट, तो इसका सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 8085 माइक्रो प्रोसेसर, अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये तो सबसे बेहतरीन शुरुआती दौर का माइक्रो प्रोसेसर था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, सही है, मैंने पिन आपको दिखाई थी, 40 पिन है इसमें, और इसमें कितनी एड्रेस लाइन्स है, 16 एड्रेस लाइन्स है। अब यहां उत्तर आता है PMOS का, ठीक है, तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो NMOS टेक्नोलॉजी से बना था, PMOS टेक्नोलॉजी वो 8085 में नहीं, 4004 माइक्रो प्रोसेसर में यूज हुई थी, है ना, उसके बाद क्या है कि NMOS टेक्नोलॉजी आई, वो ज्यादा तेज थी PMOS से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेक्टर्ड इनपुट, पहले यहां पर देखिए, थोड़ा आप समझाना चाहूंगा, पहले उत्तर बता देता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए, हमेशा जो इनपुट है, या फिर कहें कोई भी ट्रैप के बारे में, या फिर किसी भी इंटरप्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है और हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा हमको ये भी देखना होता है कि क्या आपको एड्रेस ऑलरेडी पता है कि उस एड्रेस से शुरू करना है, मतलब आपका ट्रैप जो भी आएगा इंटरप्ट उसका एड्रेस पता है, इसको हम वेक्टर या नॉन वेक्टर कहते हैं। अगर ट्रैप आया तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, करना ही करना है, उसके बाद 7.5 6.5 5.5 ये सब आते हैं। यहां पर अगर आप चित्र को देखें तो ये जो ट्रैप है ये हाईएस्ट इसकी प्रायोरिटी है, ये एज और लेवल दोनों ट्रिगर्ड है, जबकि RST 7.5 से लेकर INTR ये सारे एज लेवल 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 है, और इसकी जो प्रायोरिटी है नीचे गिर रही है, लोएस्ट है, ट्रैप को रोक नहीं सकते, नॉन मास्केबल है, बाकी सब मास्केबल है। लेकिन यहां आप ट्रैप जो पहले 4 है, इनको देखिए, ट्रैप से लेकर RST 5.5 तक, ये सारे वेक्टर्ड है, तो इनका प्रॉपर एड्रेस है, देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर एड्रेस है, इसका फिक्स प्रॉपर एड्रेस है। उत्तर इसका डी इसलिए बनता है क्योंकि यहां जो है इन्होंने दिया है, इसका जो रेंज है वो 0000 से 0038 तक है। इसका मतलब है, एक तो इसकी लीस्ट प्रायोरिटी है, नॉन वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो इसके बीच में कहीं आएगा, और जो भी एक्सटर्नल डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस कह लीजिए, पेरिफेरल डिवाइस कीजिए कह लीजिए, वो इनमें से एक एड्रेस देगी और वो भेजेगी माइक्रो प्रोसेसर को, इसीलिए नॉन वेक्टर, बाकी सब वेक्टर है, नंबर है प्रॉपर, कहां से कौन सी चीज कहां डालनी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं, फिर आपको समझाता हूं इसमें कॉन्टेंट है अपने पास। एवरी इंस्ट्रक्शन हैज टू पार्ट, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ये तो हमें पता ही है, हर एक इंस्ट्रक्शन जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट में होते हैं उसमें एक पार्ट ऑपकोड का होता है, एक पार्ट ऑपरेंड का होता है। ठीक है जी, इसी ऑपकोड से पता भी चल जाता है कि एड्रेसिंग मोड क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इमीडिएट है, क्या है। ये आपका ट्रू हो गया, इसका मतलब ये है कि ये सारे फॉल्स होने चाहिए बाकी सारे। मूव बी सी, ये दो बाइट इंस्ट्रक्शन नहीं साहब, ये एक बाइट का इंस्ट्रक्शन, इसलिए गलत हो गया। एमवीआई ए, क्योंकि डेटा ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है। जब भी डेटा, जब आपको डेटा नहीं दिया होता है और क्या रजिस्टर दिए होते हैं तो ये टू दो तो एक बाइट हो जाता है। जैसे आपका ये आ गया इसका मतलब ये आपका थ्री बाइट नहीं है, टू बाइट इंस्ट्रक्शन, ये टू बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टी स्टेट्स पॉसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज 16। ऐसा सबसे ज्यादा जो टाइम स्टेट लेता है वो इंस्ट्रक्शन है कॉल। अब इस कॉल इंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज हो रही है ना, छह आपके ऑप कोड, इसकी जो ऑपरेशन कोड है उसको फेच करने के लिए, मेमोरी राइट हो गया, उसके बाद स्टैक को पुश करेंगे, मेमोरी रीड करेंगे, ये सबको मिला के आपके 18 टी स्टेट बन जाते हैं। तो ये 16 भी गलत हो गया क्योंकि ये 18 है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड इज यूज बाय 8085 माइक्रो प्रोसेसर फॉर एरे एंड लिस्ट ऑपरेशन। एरे जहां पर आएगी ना बात, वहां पर आपका इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है। बस दिमाग में डालना है आपको कि कोई भी एरे की बात हम जब करते हैं, इस तरीके से एरे होता है ना, या फिर ऐसे भी मान लीजिए आप जीरो एड्रेस से शुरू होगा, फिर इसकी इंडेक्सिंग होगी, जो भी डेटा होगा किसी न किसी इंडेक्स पे होगा। तो कौन सा इसमें एड्रेसिंग मोड है जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है एरे और लिस्ट के लिए? इसका उत्तर मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि वो होता है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, यानी कि ये होता है। जहां लिस्ट और एरे आए ना वहां इंडेक्स की बात होती है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ऐसे इसका उत्तर दे सकते हैं। बाकी ऑपरेशन और भी है कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कैसे काम करता है, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग कैसे काम करता है। व्हाट इज स्टोर्ड इन एचएल जनरल पर्पस रजिस्टर? अब एचएल क्योंकि जनरल पर्पस रजिस्टर है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका मेमोरी का एड्रेस ही स्टोर होता है ना। तो एचएल पहले 16 बिट का होता है, पहले बता दूं है कहां, ये बीसीडी एचएल, ये जो आप एचएल देख रहे हैं ना इसकी बात हो रही है। बेसिकली एच और एच अपना अलग से रजिस्टर है, एल अलग से रजिस्टर है, लेकिन क्योंकि 16 बिट का काम लेना होता है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर सारे 16 बिट के हैं, तो इसलिए एचएल को पेयर में यूज होता है। इफ अ 90 GB मेमोरी हैज टू बी कनेक्टेड टू अ माइक्रो प्रोसेसर, मिनिमम हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर रिक्वायर्ड? यदि 90 GB मेमोरी हैज टू बी कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर, इतनी मेमोरी लगानी है, तो कितनी आपको एड्रेसिंग लाइन चाहिए ताकि आप इसको हैंडल कर सकें? तो इसका तरीका इस तरीके से समझिए, 90 GB हमेशा जो होता है ये 2 की पावर में चलता है, कोई भी मेमोरी जो चलती है। तो 90 GB किसके बीच में आता है? ये आता है 64 GB और 128 GB के बीच में, इसके बीच में आता है ना, तो इससे ऊपर चाहिए, इससे कम चाहिए। अब 64 GB क्या है? 2 की पावर 36। अगर आप ये गिन लें तो 2 की पावर 34 बाइट्स, ये आपका 64 GB आ जाता है जीबी, है ना। मतलब मिनिमम आपको 36 एड्रेस लाइंस तो चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो इसका मतलब यह है अगर आप 2 की पावर 37 करेंगे तो ये कितना आएगा, आपको जो 64 है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 34 क्योंकि 2 की पावर 36 तो 64 GB, इससे ऊपर चाहिए, और 2 की पावर 37 पे आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब 37 एड्रेस लाइन चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट? दो तरीके के इंटरप्ट होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट को आप बाहरी सिग्नल, या क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, बाहर के डिवाइस लगे उसका भी सिग्नल कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक इंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली जैसे आपके इंस्ट्रक्शन सेट में इंस्ट्रक्शन होते हैं वैसे इंस्ट्रक्शन होता है। कई सारे ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिसको आप थोड़ी देर के लिए वेट करा सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन कई ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिनको डिले नहीं किया जा सकता, सर्विस इनकी मस्ट है, यानी कि ट्रैप आ गया तो आप लोगों को इस पर हैंडल करना ही करना है। दो तरीके की बात हो गई कि वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। जब जो सबरूटीन स्टार्ट होना है इस पर्टिकुलर किसी आपके इंटरप्ट का, उसकी लोकेशन पता होती है तो उसे वेक्टर लोकेशन कहते हैं, नहीं पता तो नॉन वेक्टर वेक्टर होती है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में, पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूं कि कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो ट्रैप
INTR और RST 6.5, ये सारे हार्डवेयर इंटरप्ट है। RST 5, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, जहां भी 0.5 वाले आते हैं वो हार्डवेयर है, जहां ये 0.5 पॉइंट नहीं होता है वो आपके सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट बता दिया, उत्तर तो आप समझ गए डी है, ये आपका जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो आपका RST 5। लेकिन अंतर थोड़ा सा समझिएगा, जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है ये, मान लीजिए आपने, एग्जांपल देता हूं, आजकल के जमाने में पेन ड्राइव निकाल ली, कैसे पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो आपको हार्डवेयर इंटरप्ट से पता चलता है। और यहां पर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देता रहता है, कोई और देता रहता है। इसी तरीके से हार्डवेयर इंटरप्ट ये बाहरी डिवाइस से आता है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर खुद करता है, क्योंकि आप अगर बाईचांस कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो प्रोग्राम से भी तो कोई इंटरप्ट आ सकता है। हार्डवेयर इंटरप्ट, एक बार आप जो इस इंटरप्ट को हैंडल करेंगे या फिर इस इंटरप्ट को प्रोसेस करेंगे तो प्रोग्राम काउंटर बढ़ता नहीं है, यहां पर प्रोग्राम काउंटर बढ़ जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर से ही आ रहा है ना। कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट मास्केबल है, लेकिन सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो सारे के सारे नॉन मास्केबल है, इनको रोका जा सकता है, यानी कि इनको डिले किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से हार्डवेयर इंटरप्ट की प्रायोरिटी लोअर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को काम कर रहा है उस समय बताएगा वो, तो हार्डवेयर इंटरप्ट, जैसी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आएगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, हायर प्रायोरिटी होती है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, क्योंकि वो सीधा कोड से ही आ रहा है। हार्डवेयर इंटरप्ट क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू है तो थ्रूपुट बढ़ जाता है पूरे सिस्टम का ओवरऑल, लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में बार बार अगर कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करना, करने के लिए प्रोसेसर काम करने लगता है, तो थोड़ा सा इसमें थ्रूपुट कम हो जाता है। इसमें कुछ कंट्रोल लॉजिक भी है, तो क्योंकि कंट्रोल लॉजिक आपने देखा कि किसी माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होती है, तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट थोड़ा अफेक्ट करता है इस कंट्रोल लॉजिक को, ये ज्यादा इंटरप्ट नहीं करता क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर से ही प्रोड्यूस हो रहा है ना। इसमें ये और बता दूं आपको कि जो हार्डवेयर इंटरप्ट है, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ये सारे हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया आपका RST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक। व्हाट इज द वेक्टर्ड एड्रेस ऑफ RST 5? अब इसके सारे एड्रेस यहां पर दिए हुए हैं, इसमें से अगर कुछ भी पूछा जाता है 0 से लेकर 7 तक तो आप बता सकते हैं। उत्तर इसका सी है, ये है 0028, ये हेक्साडेसिमल में है। वैसे इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होता है कि जो भी, जैसे आरएसटी ये है, अब आरएसटी 0 से लेकर 7 तक है, मान लेता हूं मैं ये आरएसटी एन कैसे कंप्यूट करेंगे, तो इसका है एन इंटू 8, यानी अगर आप आरएसटी 5 करना चाहते हैं तो क्या होगा, एन इंटू 8, 5 इंटू 8, यानी कि 40। अब ये 40 जो है वो डेसिमल में है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में होता है 28, ये होगा 16 बेस हो गया, तो इस तरीके से निकाला जाता है, सभी का इस तरीके से निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैक पॉइंटर, तो इसका उत्तर बताता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर किया जाए। इसका उत्तर है, स्टैक पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी। होता यह है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें जब भी कोई आप काम करते हैं तो एक जगह आपको मिल जाती है जो कि स्टैक की होती है, तो स्टैक पॉइंटर जो है वो इनिशियलाइज करते हैं स्टैक बनने से पहले। तो स्टैक पॉइंटर जो होता है वो 16 बिट का रजिस्टर है और यहां पर आपका डेटा स्टोर होते हैं। तो होता यह है कि जैसे मान लीजिए अब ये प्रोग्राम चल रहा है और आपको किसी सब रूटीन में जाना है, कॉल हो गया यहां सब रूटीन का कॉल, तो यहां पर जाने से पहले ये जो वापिस कहां आना है ये तो पता होना चाहिए, तो ये जो है इसको आप स्टैक में स्टोर कर देंगे। जब यहां पूरा सब रूटीन चल जाएगा, वापस आएंगे तो इसको निकाल लेंगे, तो रखने को हम कहते हैं पुश और निकालने को आप कहते हैं पॉप। तो स्टैक पॉइंटर इज एन 8 बिट, ये गलत हो गया क्योंकि 16 बिट होता है। स्टैक पॉइंटर स्टोर्स डेटा परमानेंटली, ये भी गलत है क्योंकि ये टेम्पररी स्टोरेज है। और स्टैक पॉइंटर इज इनिशियलाइज आफ्टर स्टैक ऑपरेशन, अगर स्टैक ऑपरेशन हो गया तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का बाद में क्या फायदा, इसको शुरुआत में इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। इसका हमेशा देखेंगे आप, स्टैक पॉइंटर ये इनिशियलाइज होता है और फिर जैसी चीजें बढ़ती है तो इसको पॉइंट करने लगता है टॉप को। How many address lines are required to connect a 4KB RAM to a microprocessor? तो इसमें आपको 2 की घात से चलना है, 2 की घात मतलब 2 की पावर से चलना है। अब आपके पास है 4KB, अब देखिए 4KB 1 किलो कितना होता है, 1024 है ना, तो कितना हो गया ये आपका 4096 हो गया ये। अब 4096 इसके बराबर होता है, अगर आप इसको देखें तो 2 की घात 10 होता है, ये कितना होता है 2 की पावर 2, तो कितना हो गया 2 और 10, 2 की पावर 12 हो गया। तो बस आपको 12 एड्रेस लाइन चाहिए इस 4KB के लिए, ऐसे निकाला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मूव ए बी इंस्ट्रक्शन, अब देखिए मूव में
क्या क्या चीजें हो रही है कि करके हम चलते हैं। पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, फिर बताऊंगा क्या नहीं होता है। इट डजेंट अफेक्ट द फ्लैग रजिस्टर, उसका कारण क्या है। मूव का मतलब यह होता है कि एक यहां पर आपका एक डेस्टिनेशन रजिस्टर है, एक सोर्स रजिस्टर है, तो इसका कॉन्टेंट उठा के यहां कॉपी कर दिया जाता है, बस इतना किया जाता है। जब कॉन्टेंट कॉपी हो रहा है तो फ्लैग में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, दो बाइट इंस्ट्रक्शन तो होता नहीं क्योंकि ये वन बाइट इंस्ट्रक्शन है। इट मीन्स मूव द कॉन्टेंट ऑफ रजिस्टर ए टू रजिस्टर बी। तो इसमें कहा गया है कि ए टू बी डालना है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ये बी टू आएगा, मतलब कॉन्टेंट बी से ए में डाला जाता है, तो ये गलत हो गया। इट यूजेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ये भी गलत है क्योंकि इसकी जो एड्रेसिंग मोड है वो रजिस्टर एड्रेसिंग है, क्योंकि आप रजिस्टर ही दिख रहे हैं आपको। तो ये इसका उत्तर हो गया। और भी चीजें हैं, आप Which of the following is false about LDA instruction? LDA instruction करता क्या है? अगर इसका आप फुल फॉर्म देखें LDA का, तो इसका मतलब है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, ये कहता है। तो पहली चीज तो ये है कि इसका उत्तर बी है, इट यूजेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फॉल्स पूछा गया। तो ये क्यों गलत है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट है। एक और चीज ये है कि ये 3 byte इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सही है क्योंकि LDA, और 13 ये टी स्टेट लेता है, मतलब जो टी स्टेट इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइमिंग डायग्राम ये लेता है, और इट डजंट अफेक्ट एनी फ्लैग। तो फ्लैग क्यों इसमें अफेक्ट होगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोड करना चाह रहे हैं तो आप एक्यूमुलेटर में तो चीज डाल रहे हैं, यानी ये जो दो लोड एक्यूमुलेटर का मतलब ये है कि इसको आप एक्यूमुलेटर में डाल देंगे, यही यही चीज हो रही है। ये जो कंटेंट होगा ये आपका एक्यूमुलेटर में चला जाता है, तो फ्लैग भी अफेक्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है विच इज या कौन सा जो इसमें है वो ट्रू है, कौन कौन से ट्रू है। तो इसका उत्तर जो है वो ये है बी, इट इज अ 3 byte इंस्ट्रक्शन। पहले मैं आपको बता दूं कि जो STA है इसका फुल फॉर्म होता है स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, यानी कि एक्यूमुलेटर में आपको चीजें रखनी है, ये हो गया ना। अब पहली चीज तो यह है कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नहीं फॉलो करता है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है, क्लियर। 3 byte इंस्ट्रक्शन ये तो सही हो गया। और कितनी मशीन साइकिल लगती है इसमें, 3 नहीं लगती, इसमें 4 मशीन साइकिल लगती है, कितनी, 4 मशीन लगती है। और जो STA इंस्ट्रक्शन होता है इसमें यह होता है कि जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी है, जो भी एक्यूमुलेटर में होगा वो इस मेमोरी में आएगा। एक्यूमुलेटर इज लोडेड विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी, ऐसा नहीं है मेमोरी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में जाके लोड होता है, ये काम है एसटीए का। डीएए इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ एडिशन, ये डीएए का मतलब है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, डीएए। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। ये बाइनरी कोडेड डेसिमल, इनका एडिशन के लिए डीएए इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं। उत्तर इसका ए हो गया, तो ये यहां से यहीं से आपको समझ जाना चाहिए। ये करता क्या है कि जो एक्यूमुलेटर का जो बाइनरी, मतलब ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है, जो एक्यूमुलेटर है उसको बीसीडी में चेंज करता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में, यही इसका। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यहां पर मैंने इसको प्रेजेंट किया है। What does a loader do in a microprocessor? Loader का काम क्या होता है? देखिए loader का काम यही होता है, क्योंकि microprocessor या कोई भी computing device आपकी digital जो है वो 0 या 1 समझती है ना? तो जो भी hexadecimal code है, hex में है, loader क्या करेगा? इस hexadecimal code को पहले convert करेगा 0-1 में, यानी कि binary में convert करेगा, फिर ये memory में डालेगा। मेमोरी में कैसे जाएगा, 0-1, लेकिन होता हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में, इसीलिए इसका उत्तर है कन्वर्ट्स हेक्साडेसिमल कोड टू बाइनरी, ये इसका उत्तर है। सपोज रजिस्टर ए एंड बी कंटेन्स 50H एंड 40H, आफ्टर मूव इंस्ट्रक्शन मूव ए बी, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स ए एंड बी। देखें मूव का मतलब क्या होता है, ए बी, मूव का सीधा मतलब है कि ये आपका, इसको डेस्टिनेशन मान लीजिए, इसको सोर्स मान लीजिए, सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन में डालना है। इन्होंने कहा कि ए में आपके 50H है और बी में आपका 40H है, 40 है मतलब। तो जब आप इसको यहां डालेंगे इसमें क्या आ जाएगा, ये तो रिप्लेस हो जाएगा 50 का 40 और इसमें 40 बना रहेगा, यहां से ये K
केवल कॉपी होता है, यहां से हटता नहीं जब तक आप बी में कुछ और नहीं डालें। तो उत्तर क्या बनता है आपका इसका, उत्तर होता है ए, 40 ए में रहेगा 40 बी में रहेगा। फॉर हाउ मेनी टाइम्स पर इंस्ट्रक्शन द कॉन्टेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस। अभी बड़ा ही वेग सवाल है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका कोड क्या है, क्योंकि जब तक आप ऑप कोड को डिकोड नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 1 byte है, 2 byte है, 3 byte है, कितने इसमें फेच साइकिल लगने हैं, कितना टी स्टेट्स लगने हैं, कुछ पता नहीं आपको, क्योंकि लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ऑपकोड क्या करने वाला है ये आपको, और कितना साइज है उसको, कितने इसमें मशीन साइकिल लगने वाले हैं, टी स्टेट लगने वाले हैं, ये आपको उसके बाद ही पता चलता है। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या होगा, कितने बार एड्रेस बस में रखा जाएगा, ये तो पूरी तरीके से लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है ना। तो इसका उत्तर होगा डिपेंड ऑन दी लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग। अब हमको ये सारे फ्लैग पता चल गए हैं अच्छी तरीके से, कौन क्या काम करता है। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑक्सिलरी कैरी है। कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं। ब्रांचिंग अगर आपको, आपने सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह की हुई तो उस तरीके समझ लीजिए, इफ एल्स या फिर व्हाइल डू व्हाइल ये सब इसमें आप मान लीजिए। तो यहां पर क्या होता है कि जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या ये लूपिंग हो रही होती है, या कहीं किसी कंडीशन पे यहां जाता है, तो यहां पर सारी चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन अब कंडीशनल इंस्ट्रक्शन और इंडिपेंडेंट ऑक्सिलरी कैरी को इफेक्ट नहीं करेगी। ऑक्सिलरी कैरी हमेशा जैसे 8 bit होता है तो 4 bit जो लोअर लेवल है उससे जो हायर लेवल पे अगर कोई कैरी जाता है उसको ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट HLT इंस्ट्रक्शन। HLT इंस्ट्रक्शन है आपका हॉल्ट, हॉल्ट। तो उत्तर इसका है, देखिए इसमें कहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्या नहीं है इसमें, इट इज यूज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब आपका नाम ही हॉल्ट है, क्या मतलब है, रोकना, तो ये मशीन कंट्रोल स्टेटमेंट है, और जब आपका पीसी एड्रेस बस से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो अगला फेच कैसे करोगे आप, अगला फेचिंग तो नहीं हो पाएगी, फिर डिस्कनेक्शन हो गया। तो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है, क्लियर। तो पहली चीज, इट इज अ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है, इट इज यूज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, नहीं इसको रोकने के काम आता है तो स्टॉप करेगा ये। अब पीसी जब डिस्कनेक्ट होगा एड्रेस बस से तो बिल्कुल ये सही है, ये भी मैंने आपको बताया। और रीसेट इंटरप्ट इज रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ द हॉल्ट स्टेट। मतलब अगर सेट है तो हॉल्ट स्टेट में रहेगा, रीसेट जब इंस्ट्रक्शन IF जो होगा, जो रीसेट स्टेट में होगा तब आप आगे बढ़ेंगे। और भी यहां चीजें हैं जिसको आप देखना चाहें। व्हेन डेटा रिक्वायर्ड फॉर इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड द रजिस्टर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर देन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड। नाम ही इसका क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। जब डेटा ऑलरेडी रजिस्टर में है तो आप रजिस्टर यूज करेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे, है ना। जैसे आपका मूव B, C है तो B और C क्या है, रजिस्टर है। वैसे 5 type के अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 885 में, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इम्प्लाइड एड्रेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेसिंग IC इज अ DMA कंट्रोलर। DMA कंट्रोलर का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका सीधा आंसर बता देता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर्ड वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिक नहीं, याद रखना है इसको। तो आंसर इसका है A 825737, क्योंकि जो 8155 है ये आपका मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये 825354 जो देख रहे हैं ये प्रोग्रामेबल काउंटर है। 8279 जो आप देख रहे हैं वो कीबोर्ड और डिस्प्ले कंट्रोलर है। तो ये जो है यही आपका DMA कंट्रोलर, ये तो जिसकी हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2-word इंस्ट्रक्शन सेट। 2 word का कौन सा है इसमें, उत्तर आपका इसका बनता है सी। क्यों सी बना, जो LDA है ये वाला, और ये जो JMP आप देख रहे हैं ये 3-word इंस्ट्रक्शन है। यहां पर भी आपको इस तरीके से दिखे ना कि यहां एड्रेस है और ये LDA हो, जंप हो, ये मान के चलिए आप 3-word इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जहां पर मूव A, B जिसमें आपको डेटा नहीं दिख रहा है ये 1-word इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो 01H है वो 2-word इंस्ट्रक्शन है, जिसका IN01 का ये मतलब है कि जो पहला बाइट है ये आपको बताएगा ऑपकोड क्या है, सेकेंड बाइट आपको अपने आप इसी में दिख रहा है, जैसे IN है ना, ये आपका ऑपकोड हो गया, 01 आपका ऑपरेंड हो गया।
इसलिए इसको टू वर्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन सेट. आप देखिए कि उत्तर इसका डी है, LDA, LDAX. ये जो LDA आप देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जो LDA 2700 है ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है. ADI 36 ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है. DA जो है आपका इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है. ये जो आप देख रहे हैं LDX ये आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट SPHL. SPHL में ये समझने की जरूरत है, पहले उत्तर बता देता हूं ताकि ये सब हम एक्सप्लेन करें तो आपको पता चले क्या हो रहा है. कॉन्टेंट्स ऑफ HL पेयर इज मूव टू SP. HL क्या हुआ आपको याद है, BCDEHL ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है. ये आपका उत्तर है, कंटेंट्स ऑफ HL पेयर इज मूव टू SP. पहले बाकी चीजें देख लेते हैं. इट यूजेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. ये SPHL इंडेक्स नहीं करता, ये आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड करता है. इट इज अ 3-byte इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल गलत है क्योंकि 1-byte इंस्ट्रक्शन है. इट रिक्वायर्स 3T states, बिल्कुल गलत है क्योंकि 6T states इसको लगते हैं. और जो कॉन्टेंट है HL पेयर का वो स्टैक पॉइंटर में जाता है, HL का स्टैक पॉइंटर में जाता है. यही ये काम करता है. चलिए साहब ये बात हो गई आपके MCQs की, बहुत शुक्रिया.